जम्मू के किश्तवाड़ा के वारवन प्रखंड के सुखनोई गांव में आग लग जाने की वजह से गांव के लगभग सारे घर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो गई है। कुल 86 में से 84 मकान पूरी तरह जल गए हैं, 120 परिवार बेघर हो गए हैं। आग से परेशान लोग ठंड में खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। शनिवार देर रात सुखनोई गांव के एक मकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गांव चपेट में आ गया। अधिकतर मकानों में लकड़ी का अधिक इस्तेमाल होने से आग तेजी से फैली। मकानों में रखा सामान राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान का अभी पूरा अंदाजा नहीं लग पाया है। किश्तवाड़ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर वारवन के जंगलों में जहां ये लोग रहते हैं, वहां सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ठंड से बचने के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में घास और लकड़ी इकट्ठा कर रखी थी और आग लगने की वजह से सब कुछ जल गया। दूरदराज क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने रविवार को हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई। रेड क्रॉस और जिला कोष से राहत दी गई है। बताया जाता है कि इस इलाके में ना तो बिजली है और ना ही टेलीफोन लाइन की सुविधा। अगर सड़क मार्ग से कोई जाना चाहे तो यहाँ पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर गाड़ी से और 35 किलोमीटर पैदल जंगलों में चलना पड़ता है। देखते रहिए डीबी लाइव।